मुझे लगा था वो नेट की स्क्वाड है बट नहीं, वो मार्कस गेमिंग की स्क्वाड थी और सीधा सोल के दो प्लेयर यहां पे रश करते हुए 2v2 का यहां पे सिचुएशन आता हुआ एक अच्छा ग्रेनेड पूरी मार्कस गेमिंग के दोनों प्लेयर को खत्म कर सकती है। मैडमैन अकेले प्लेयर बचे हुए अंदर अपनी टीम से और शायद सोल के और भी प्लेयर है जो रश करने को पूरी तरीके से तैयार है। इसी की तरह से यू आर डाउन हुए थे बट इसी बीच मार्कस गेमिंग की जो स्क्वाड थी वो यहाँ पे एलिमिनेट होती है। तीन प्लेयर्स को भेजा गया आगे और तीन प्लेयर्स ने कहा कि आप हम वेट करेंगे, रेगल्टोस को बोला गया आप यहाँ पे शॉट लीजिए और शॉट लिया और खत्म भी करा। आज रेगल्टोस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तीन फिनिशर्स निकाल चुके हैं करने की कोशिश क्लिच के स्कूबा के ऊपर, क्लिच के स्कूबा को भी खत्म करते हैं। रेगल टॉस राइट नाउ इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट टुडे। नॉक्स निकल रहे, मुझे लगता है कि टोटल चार फिनिशर्स उनके पास है। इस बिल्कुल चार फिनिशर्स आपको देखने को मिलेंगे। राइवलरी की स्क्वाड अभी भी ऊपर के सेट पे मौजूद है, चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और अगर इस मैच में इसी तरीके से खेलते रहे फिनिशर्स और ज्यादा आने वाले क्योंकि ज्यादा प्लेयर सर्वाइव नहीं कर रहे, मात्र केवल 17 प्लेयर और 8 टीमें इस वक्त सर्वाइव कर रही है पूरे मैच में। स्पीरो देखिए मैं पता है क्या जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ जादू का है और वो क्या कर रहे हैं, कितने फर्स्ट एड उनके पास है। बट टीम सो लुकिंग अमेजिंग, नो फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुके हैं। वाइपर रॉक्स रेगल्टोस युवा की ये जोड़ी अभी ये स्मोक और नेड का कॉम्बिनेशन करते हुए आपको नजर आ जाएगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स को स्पॉट कर लिया है और अगर जोन में जगह चाहिए तो टीम सोल को भी बताया ग्लोबल स्पोर्ट्स को टेक डाउन करे बिना वो जगह इनको नहीं मिल सकती। तो ये रेगल्टोस राइट नाउ इज ऑन फायर बट ही इज बर्निंग ग्लोबल स्पोर्ट्स टू हेल। एक और प्लेयर को नॉक करा जाएगा, एक अच्छा नेड रॉक्स की तरफ से टाक को नॉक करा जाता है। सामने बैठे क्या कर रहे हैं रेगल्टोस, सामने देखिए और जी हाँ रेगल्टोस सात कमाल के फिनिशेस एंड ये खिलाड़ी अब रुकने के मूड में नहीं है, पीछे भी स्पॉट करने की कोशिश। रेगल्टोस क्या यहाँ पे एक और नॉक कर पाएंगे? जी हाँ रेगल्टोस का एक और अच्छा स्प्रे, काफी अच्छा बर्स्ट यहाँ पे डीपी की तरफ से। राइवल डी के प्लेयर्स अब बैकवर्ड पे और उनका सर्वाइव करना यहाँ से काफी मुश्किल। रैना रेगल्टोस को यहाँ पे स्पॉट जरूर करते हैं बट सोल के बाकी सारे प्लेयर ऊपर जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? एक प्लेयर वहां पे केवल मात्र मौजूद है, आप ऑलरेडी जोन के अंदर है, आपके पास मैन एडवांटेज है, आपने इतने सारे फिनिशेस ऑलरेडी निकाल रखे हैं, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रॉक्स को आप देखें वो ऑलरेडी पीछे की साइड पे जा चुके हैं, डेल्टा पीछे अकेले बचे अपनी टीम से। इस वक्त सोल के पास 13 टोटल फिनिशेस है जिसमें से 8 वहां पे रेगा ने निकाल दिए या फिर वहां पे कुछ तो इशू जरूर हुआ बट वो यहाँ पे डाउन किए जाएंगे रैना के द्वारा। इसी के साथ पूरी स्क्वाड खत्म होते हुए स्काईलाइट्स गेमिंग की रैना सामने की साइड पे आते हुए स्पॉट करेंगे बट रेगल टॉस की बात करें वो अभी भी रुकना नहीं चाह रहे बट शैडो उनको यहाँ पे डाउन किया गया। रॉक्स की बात के प्लेस उनके बाहर खत्म हो गए, वाइपर भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। निक के द्वारा लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, यू अपनी टीम से सर्वाइव करें, अपने आप को हील करेंगे, सोल के अंदर निकलने की जरूरत बट निक का वहां पे एक अच्छा स्प्रे आता हुआ।